बनाते हैं जिसपे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने कर दिया इम्पोर्ट पिकल, जो बहुत ही जरूरी है। ओके, यहाँ पे हम एक कमेंट ले लेते हैं, राइटिंग डेटा, राइटिंग डेटा ऑन फाइल। ओके, पहले राइटिंग प्रोसेस करेंगे। फाइल हैंडल से आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी फाइल का नाम माई बाइनरी डॉट डेट। ये डेटा फाइल है जो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे आप डेटा को राइट करना है, तो आप क्या किस मोड में ओपन करोगे, राइट मोड में ओपन करोगे बाइनरी फाइल को। ओके ओके, नाउ हम इसके अंदर आप राइट आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है। तो एक मैं यहाँ पे कमेंट डालती हूँ, गेट डेटा टू राइट ऑन टू द फाइल। ठीक है, हमें डेटा लेना है किस लिए, फाइल में राइट कराने के लिए। ओके, वेरिएबल या आंसर उसमें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू यस से, वाई से। ओके, और जब तक आपका ये क्या रहता है आंसर, इस वेरिएबल में आप जब तक कौन सी वैल्यू रहती है, वाई। ओके, तब तक आप क्या इनपुट कराओगे यूजर से, रोल नंबर, इंट इनपुट, क्योंकि इसको हमें क्या इंटीजर है तो इसको हमें इन फंक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ओके, एंटर रोल नंबर फाइन। अब हम क्या एंटर कराएंगे, नेम इनपुट, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में डेटा को रीड करता है, लेता है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अगर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो आपको उसको कन्वर्ट कराना होता है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर बाय यूजिंग द इंट फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्क्स, तो मार्क्स को आप फ्लोट में करवा सकते हो क्योंकि डेसिमल में भी आप नंबर्स देते हो, ठीक है, फ्रैक्शंस में भी होते हैं जैसे 2.5 4.5 इनपुट एंटर मार्क्स। फाइन, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जिससे डेटा क्या होगा, यूजर एंटर करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम करा लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करनी थी, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी थी, फाइन, एम्प्टी डिक्शनरी, जिससे कि हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सके। तो हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है स्टू नेम की। ओके, जिसकी जो क्या जिसके अंदर आप अब यहाँ पे हम जो भी डेटा यूजर से रीड करा रहे हैं वो हम इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देंगे, फाइन। तो यहाँ पे ऐड रीड डेटा इनटू डिक्शनरी। ओके, हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी है स्टू नेम की। ओके, अब यहाँ पे स्टू के आप फर्स्ट जो आपकी लोगे रोल नंबर, उसकी क्या वैल्यू क्या दोगे, जो आप यहाँ पे यूजर से एंटर करा रहे हो वो वैल्यू। ओके, देन सेकंड की इसकी क्या है, नेम, राइट, उसमें कौन सा डेट, उसमें क्या स्टोर होगा, नेम जो आप यूजर से एंटर करा रहे हो, ये नेम, फाइन। देन आपका स्टू मार्क्स, मार्क्स की के अंदर आपका मार्क्स एंटर करा दो, फाइन। अब यहाँ पे इतने प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने यूजर से डेटा को एंटर कराया और जो भी एंटर हो रहा है वो कहाँ पे हमने स्टोर करा दिया, एम्प्टी जो हमारी फाइल थी उसमें हमने स्टोर करा दिया। अब जो हमारा डेटा आया है उसे हमें क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है, जो हमारी कौन सी फाइल है, माई बाइनरी डॉट डेट। ओके, तो इसको हम राइट करेंगे
नाउ एक कमेंट ले लेते हैं, राइट इनटू द फाइल, राइट इनटू द फाइल, ओके ओके। तो आप राइट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो? पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन। तो यहाँ पे हम डंप फंक्शन का यूज करेंगे। डंप फंक्शन के अंदर आप डिक्शनरी को पास कर दोगे, पाइथन ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी, ठीक है, और आप फाइल हैंडल को पास करोगे, राइट। अब यहाँ पे आप ले लो आंसर जो हमने वेरिएबल दिया था इनपुट, क्योंकि वो तो क्या होगा, यस होगा तो डेटा लेता ही रहेगा, पर यहाँ कहीं ना कहीं तो हमें ब्रेक लगानी है। वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, फाइन। तो यहाँ पे आप लोग यस और नो, जब तक बाई एंटर है तब तक वो डेटा लेता रहेगा, जब तक आप बाई एंटर करोगे तब तक वो डेटा लेता रहेगा। तो जहां पे आपने एन या कोई भी डिफरेंट वो लेते हो तो वो क्या होगा, उसको एंट्री करनी बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम लेंगे नो, ठीक है। तो ये देखो एफ डॉट क्लोज, यहाँ पे जो ये आपने ये जो प्रोसेस किया है उससे आपका डेटा क्या होगा, राइट होगा, फाइन। अब हमें क्या करना है, रीड करना है, ओके, डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, हम इसको लोड फंक्शन का यूज करके जो भी डेटा आप राइट करोगे उसको रीड करेंगे, फाइन। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कमेंट रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ओके, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, फाइन। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करके एक एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आप स्टोर करोगे जो भी डेटा आप रीड करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली है टू, ओके, जो ये आपने इस फाइल में डेटा को रीड करा है माई बाइनरी डॉट डेट। अब आपको इसी फाइल से डेटा को रीड कराना है तो वो कहाँ पे जाके उस डेटा को कहाँ रीड कराऊंगी, मैं एक और एम्प्टी डिक्शनरी, इसलिए मैंने होल्ड उस डेटा को होल्ड करने के लिए बना लिया, ठीक है। अब हमें फाइल को ओपन करना है किस मोड में, तो मैंने ये फाइल हैंडल ले लिया फिन नेम से, ओके, और ओपन करना है, ओपन ओपन करना है आपको अपनी फाइल को। तो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल का नेम है माई बाइनरी डॉट डेट, ओके। हम और मैं इसको किस मोड में, रीड मोड में इसको अब ओपन करूंगी क्योंकि अब मुझे डेटा रीड कराना है, ओके, फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगी वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगी, राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जब डेटा रीड कराते हैं बाइनरी फाइल से तब हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग तब करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि क्या होता है, जो पिकल का लोड फंक्शन है वो क्या करता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर रेज करता है, ओके, जब आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाते हो रीड करते हुए तब क्या होता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर को रेज करता है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ अपना ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर करेंगे प्रिंट फाइल, कुछ भी आप दे दे प्रिंट, मैं यहाँ पे देती हूँ डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज, और आप ये भी लिख सकते थे डेटा इज, मतलब जो भी रीड कर चुके हो इज, ये मैंने वैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है। वाइल ट्रू, मैंने क्या दिया है, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू का क्या है, यहाँ पे इट विल बिकम फॉल्स अपॉन एंड ऑफ फाइल, जो ये ट्रू की वैल्यू है, राइट, वो फॉल्स कब होगी, जब एंड ऑफ फाइल तक वो पहुंच जाएगा, डेटा रीड करते करते कहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड ऑफ फाइल, अदरवाइज ये ट्रू रहेगी, ठीक है। तो मैंने वाइल ट्रू दिया है कि जब तक फाइल ट्रू रहेगी तब तक डेटा रीड होता रहेगा, और ये फॉल्स कब होगा, जब ये पहुंच जाएगा एंड ऑफ फाइल, ओके, वाइल ट्रू।
ओके, अब हम जब तक ट्रू है तब तक जो हमने अब यहाँ पे देखो, इस टू हमने एम्प्टी डिक्शनरी ली थी, ओके, तो इस टू के अंदर क्या स्टोर हो जाए, पिकल डॉट लोड, ओके, और इसमें हम कर देंगे फाइल हैंडल को पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीड रिकॉर्ड इन टू डिक्शनरी फ्रॉम फ्रॉम फिन फाइल हैंडल। अब यहाँ पे जो हमारा फाइल हैंडल है, इसका ये जो हमारी माई बाइनरी डॉट फाइल है, डॉट डेट फाइल है, वो किससे कनेक्टेड है, वो फिन से। फिन इसका क्या है, फाइल हैंडल, इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड फंक्शन के अंदर आपने इस फाइल को पास किया, इस फाइल के हैंडल को पास किया, तो लोड फंक्शन क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको कहाँ जाके स्टोर कर देगा, इस टू ऑब्जेक्ट के अंदर, जो इस टू आपने डिक्शनरी क्रिएट की थी एम्प्टी, वहां पे जाके जो भी डेटा रीड होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन, डेटा स्टोर हो गया है, अब हम उसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट टू, डेटा को प्रिंट करा दिया, ओके, राइट। अब आपका क्या करेंगे, अब हम हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है, तो हम अब ले लेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये कौन सा एरर क्रिएट करता है, एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है। जो आपका लोड फंक्शन है वो एंड ऑफ फाइल एरर रेज करता है, जब कहाँ पे पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल। तो मैंने इसका नेम भी दे दिया एंड ऑफ फाइल, और इसके अंदर सिंपली हम दे देते हैं फिन डॉट क्लोज फाइल हैंडल। फाइन, ओके, तो ये हमारा क्या है, रीडिंग के लिए, ओके। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सेव कर लो आप इसको, इसको मैंने कर दिया फाइल फाइल के नेम से, राइट। अब हम इसको रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल। रोल नंबर हमारा 1 है। नेम नेम आप दे दो, नेम दे दो आप इसके अंदर, आप इसके अंदर देते नेहा, मार्क्स 78, यस। और रिकॉर्ड्स ले लेते हैं, आपने नंबर दे दिया 2, नेम ले लिया रोहन, और मार्क्स ले लिया आपने 67, यस। और रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर देते हैं, नेम आपका हो गया 5, वो सॉरी रोल नंबर आपका हो गया 3, ठीक है। नेम आपने ले लिया अमित, ओके, एंड ये ले लिया आपने 89। और रिकॉर्ड आपको करने हैं, अब नो कर देते हैं, राइट। तो देखो आपका ये प्रोसेस क्या था पूरा, आपका जब आप डेटा को राइट करें, यूजर से लेकर डेटा को आपने राइट किया, अब यहाँ पे देखो डेटा रीड फ्रॉम फाइल एस, ये आपका यहाँ पे रीड होके आ गया, ओके, जो भी आपने डेटा एंटर किया था वो हमने कहाँ स्टोर कराया था, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कराया था, एक एम्प्टी डिक्शनरी में। तो ये देखो आपका डेटा जो भी आपने यहाँ पे रीड कराया वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होके आ गया आपके पास। एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर आपने क्या किया, आपको डेटा राइट करना है बाइनरी फाइल में, ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा यूजर से इनपुट करा रहे हैं, फिर उसको क्या करें, डंप करें, डंप मतलब उसको स्टोर करें बाइनरी फाइल में। फाइन, तो यहाँ पे ओके, तो आपने ये स्टेटमेंट दिया, बाइनरी फाइल ओपन की है, माई बाइनरी डॉट डेट किस फॉर्म में, बाइनरी सॉरी राइट मोड में, ओके, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, और एक वेरिएबल लिया है आंसर ANS, और उसको इनिशियलाइज किया आपने 22 से। तो जब तक और लूप लगा लिया वाइल आंसर इज कंपेयर टू वाई, मीन्स यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है, कि जो वैल्यू आंसर के अंदर है क्या वो वाई है, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। तो जब तक है तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा और वैल्यू एंटर होती रहेगी। फाइन, आपने वैल्यूज जो भी एंटर करे थे वो कहाँ पे स्टोर करा दी, डिक्शनरीज में स्टोर करा दी यहाँ पे, ओके, देन आपने जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसको कहाँ पे पास कर दिया, पिकल मॉड्यूल के डम्प फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट। ये जो भी डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर हुआ वो आपने डम्प फंक्शन के अंदर उसको एज अ ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फाइन, तो क्या होगा, डम्प फंक्शन उसको राइट कर देगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल के अंदर, ओके, एंड ये आपका फाइल हैंडल आपको पास करना होता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे चॉइस दिया कि आपको और इनपुट कराना है या नहीं कराना है, ये आपका राइट
ऐसे आपने डेटा को राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया, फिर आपने डेटा को रीड कराया है। रीड करते टाइम आपने डेटा को क्या किया है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोड फंक्शन होता है वो क्या रेज कर देता है, एंड ऑफ फाइल एरर रेज कर देता है जब एंड ऑफ फाइल आता है रीड करते हुए। ओके सिंपल, आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, ओके एंड देन आपने क्या किया है, तब तक आपकी फाइल चलेगी वाइल ट्रू ले लिया, और ये फॉल्स कब होगा, ट्रू जब आपका एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। ओके पिकल डॉट लोड फिन फाइल हैंडल को आपने इसमें पास कराया है, तो क्या करेगा, लोड फंक्शन उस पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करेगा और उसे कहाँ पास कर देगा, इस टू वेरिएबल के अंदर, जो कि एक आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर आपने डेटा को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, राइट ये आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में दे दिया कि किस टाइप की एरर आ सकती है। अब देखो यहाँ पे हमने राइट एंड रीड फंक्शन कर दिया, अगर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को अपेंड करना चाहते हो, अपेंड मींस ज्वाइन और डेटा ज्वाइन करना चाहते हो अपने फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपेंडिंग रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल, टू अपेंड रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल मेक श्योर टू ओपन द फाइल इन अपेंड मोड। अगर आपको डेटा को क्या करना है, अपेंड कराना है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसमें आपको और डेटा उसमें राइट कराना है, ओके तो क्या होगा, आपको उसको अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। अगर आप फाइल को दोबारा से ओपन करते हो तो क्या होगा, पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और जो न्यू इंसर्ट करोगे सिर्फ वही आएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपका प्रीवियस डेटा है वो भी रहे और न्यू डेटा भी एड हो जाए, तो किस फॉर्म में आप फाइल को ओपन करोगे, अपेंड मोड में। A file opened in append mode will retain the previous records and append the new record written in the file. तो जो आप अगर append mode में file को open कर रहे हो तो वो previous record को भी retain करेगा और new record भी आप उसमें write कर सकते हो। Otherwise अगर आप file को again write mode में open करोगे तो क्या होता है, overwrite हो जाता है, previous data delete हो जाता है, new data उसमें जाके store हो जाता है। ओके एज यू राइट इन बाइनरी फाइल सेम वे यू राइट रिकॉर्ड्स व्हाइल अपेंडिंग यूजिंग द डम फंक्शन। तो जब आप अपेंड कर रहे हो डेटा तो आप कैसे करोगे डेटा को राइट, सेम वे में डम फंक्शन का यूज करके ही हम उसको राइट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें ओपन करते टाइम मोड चेंज करना है, अपेंड मोड रखना है और बाकी का प्रोसेस सारा सेम है, जैसे हम डेटा को राइट करते हैं वैसे ही अपेंड होगा। ओके इसको प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ। अब देखो इसी प्रोग्राम को, ये जो मेरा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, मैं क्या करती हूँ इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है सिंपल, और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, राइट। अब लेकिन मैं क्या करती हूँ, यहां पर मैं फाइल को राइट मोड की जगह अपेंड मोड में ओपन करूंगी। अगर मैं इसको अगेन राइट मोड में ही ओपन करूंगी तो जो मेरा प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, न्यू डेटा जो अभी एंटर होगा सिर्फ वही आएगा, तो मैं यहाँ इसको अपेंड मोड में कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, फाइन यहाँ पे लिख दिया ए, और पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ मैंने यहाँ पे मोड चेंज किया है, फाइन। तो अब जब मेरी माई बाइनरी फाइल ओपन होगी तो वो किस मोड में ओपन होगी, अपेंड मोड में ओपन होगी। अपेंड मोड में ओपन होने का मतलब क्या है, जो माई बाइनरी फाइल के अंदर जो प्रीवियस डेटा भी हमने स्टोर किया था वो भी रहेगा और जो न्यू डेटा हम डालेंगे वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैंने ले लिया फाइल 6, ओके रन रन मॉड्यूल, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से करते हैं न्यू रन रन मॉड्यूल, राइट आपका रोल नंबर आ गया, रोल नंबर हमने 3 तक लिया था तो हम 4 ले लेते हैं, 4 नेम ले लेते हैं यहाँ पे दीपा, और मार्क्स ले लेते हैं 56, यस एक और रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, 5 रिकॉर्ड हम इसमें कर लेते हैं, नेम ले लेते हैं हम इसके अंदर अनिशा एंड देन 90 मार्क्स, यस एक और रिकॉर्ड 6, मतलब 3 हमने पहले किए थे, 3 और 3 अभी कर लेते हैं, रोल नंबर 6 नेम पूजा एंड इसके मार्क्स हो गए 78, ओके आप कर देते हैं नो। अब देखो यहाँ पे आपके 6 रिकॉर्ड आए हुए हैं, सी देखो रोल नंबर 1, 2, 3 ये हमारे क्या थे, प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, ओके ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, फाइन। अब यहाँ पे आपके देखो 6 तक आया हुआ है आपका 6 तक आया हुआ है, यहाँ पे देखो 6 तक रिकॉर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपेंड हुआ है,
अगर आप इसको राइट मोड में ओपन करते तो क्या होता है, ये जो हमारा ये जो तीन रिकॉर्ड थे ये डिलीट हो जाते हैं और फिर बाकी ओनली यही तीन रिकॉर्ड आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड फंक्शन का अपेंड मोड में फाइल को ओपन करके डेटा को राइट करा दिया एंड रीड करा दिया। ओके ओके चिल्ड्रन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।